हेलो, आज की क्लास हमारी रीजनिंग की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बात बता दूं। सबसे पहली बात तो कि जो लेटेस्ट पैरामेडिकल वैकेंसी है फार्मेसिस्ट की और नर्सिंग की और भी है, जो भी वैकेंसी है उसकी टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। अभी मैंने एम्स के अंदर वैकेंसी आई हुई है, मैंने वीडियो बना दिया, आप चाहो तो देख सकते हैं। आई बटन भी आपको दिख रहा होगा, आप चाहो तो आई बटन में जाके भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी मुझे एक वीडियो और बनानी है। कोई नई अपडेट तो नहीं है, लेकिन एक ब्रदर है, एक भाई है, वो हेड ऑफिस गए थे द्वारिका के अंदर, वहाँ उन्हें उन्हें जो बात पता लगी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है, तो उस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा आपकी आज या कल में जहाँ तक है। तीसरी बात ये बतानी है, मैंने ना एक जो हमारा कम्युनिटी टैब है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ रखा है, आप जाके उसे अटेम्प्ट करो, मतलब जाके उसमें येस और नो है, येस और नो अपना सुझाव दे दो। आपका सुझाव बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है मेरे लिए और आगे की हम चीज़ उससे ही तय करते हैं, तो बस इतनी बताना था। वो कम्युनिटी के अंदर लिखा क्या है मैं आपको बता दूँ, हमने उसके अंदर बात कर रखी है कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचिंग फील्ड के हैं, आपके कमेंट्स आते हैं वहाँ से मुझे पता लगता है, तो मैंने कई बार आप कमेंट देखे हैं अलग अलग वीडियो पर, पीछे पिछली वीडियो पर भी कमेंट आते हैं, वो भी यहाँ शो हो जाते हैं नोटिफिकेशन में, तो पता लगता है कि हाँ मैंने कभी टीचिंग के बारे में बात करी होगी तो वहाँ से आपके कमेंट वगैरह आए, हाँ सर मैंने कर रखी है ये टीचिंग के ऊपर, बीएड बीटीसी बीएलएड डाइट वगैरह। तो अगर आप कहोगे तो मैं क्या एक सेक्शन ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, एक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा टीचिंग अपडेट की, जो टीचिंग टीचर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो वहाँ आ जाएंगी। टीचर से रिलेटेड अपडेट में एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई, अभी बता देता हूँ मैं आपसे, जो टीचिंग के ऊपर सी टैट होता है ना, अब तक वो ये था कि जो बीएड वाले होते हैं या जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनके सेकंड ईयर से लागू होता है, थर्ड सेमेस्टर से, लेकिन अब ये नया एक रूल आ चुका, अब क्या है जिस दिन आप एडमिशन लोगे अपनी टीचिंग के किसी भी कोर्स में उसी दिन अगर आप सी टेट का फॉर्म भर देते हो या पास कर लेते हो तो आपका वो मान्य होगा। ऐसी बता दी बात, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, एक क्यूब है उसे हमने क्या है खोल दिया, वो क्यूब खुलने के बाद इस तरह दिखा, तो ये बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा। देखो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो डाइस वाले सवाल होते हैं ओ एक सेकंड, जो डाइस होते हैं हमारे ये क्या है टू टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है स्टैंडर्ड, और एक सेकंड, एक तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया और सेकंड होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसके अंदर क्या है जिसके आमने सामने वाले फेसेस का योग क्या बने 7 बने, वो तो हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। बाकी सभी डाइस कैसे होते हैं नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। जिनके आमने सामने वालों का जो सम है वो क्या बने 7, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल बना के। मैंने क्या यहाँ एक डाइस बना लिया, ये एक मैं क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है एक एक क्यूब है पास आया जो लूडो खेलते हैं जिससे, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसके अंदर मान लो लिखा क्या है, इस वाली साइड पर 2 लिखा है, इधर 5 लिखा है, और आपका इधर 4 लिखा है, इधर क्या लिखा है 3 लिखा है, इसके जो बैक वाली साइड है उस पर क्या लिखा है 1, और फ्रंट वाली साइड पे क्या लिखा है 6, ये यहाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 भी। तो देखो जो 3 और 4 ये आमने सामने होंगे इनका सम क्या बन रहा है 7, 5 और 2 का सम भी क्या बन रहा है 7, 1 और 6 का सम भी क्या बन रहा है 7। इस तरह का अगर कोई क्यूब है तो वो क्या माना जाएगा, वो क्यूब हमारा स्टैंडर्ड डाइस माना जाएगा। इसके अंदर अगर आपको मान लो ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो हम 5 के अपोजिट इजिली क्या बता देते 2, लेकिन ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्यों नहीं है
पहले क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जल्दी हम कर लेंगे। मैं इसी वाले क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ। इधर क्या लिखा है 1, इधर क्या लिखा है 3, इस साइड क्या लिखा है हमारा 6, इधर क्या लिखा है हमारा 5, 1, 3, 6, 5, और इधर क्या लिखा है 2, और इधर क्या लिखा है 4। ये इस तरह का डाइस है। अगर मैं इसके आमने सामने वाले को देखूँ, 3 और 1, 4, 7 नहीं बन रहा है, 6 और 5, 11, ये 7 नहीं बन रहा है। इस तरह का डाइस है जो अब आपको दिख रहा है। इस तरह के डाइस को जब मैं खोल दूंगा तो इस तरह का डाइस बनेगा। इसमें आपको कैसे करना होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ये आप देख लो। जब भी आपको खुला हुआ डाइस दिखे, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक छोड़ के अगले पे जाना है। देखो 1, 2, 3 में मैंने बीच वाला छोड़ के इस पे चला गया। इसी तरह जो मुझे 6, 4, 5 है, 4 को छोड़ के मैं कहाँ चला गया, इधर देखो 4 है, 4 से कहाँ चला गया मैं 3 पे, 2, 3, 4 है तो मैं 2 से कहाँ चला गया 3 पे। इसका मतलब क्या है, जब भी इस तरह का डाइस मिलेगा तो हमें कैसे मिलेगा, 1 के अपोजिट हमारा 3 हो गया, 1 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट हमारा 4 हो गया, और हमारा 6 के अपोजिट क्या हो गया, 5। आप सबको याद हो गए होंगे वैसे, 1 के अपोजिट 3 होता है, 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4। अब इसने क्या पूछा था, 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट क्या है हमारा, 6। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी। पहले क्वेश्चन में जो टाइम लगा वही लगना था, आगे आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे हाँ, जो मैंने नॉन स्टैंडर्ड बताया था, जिसके अंदर चित्रकारी होती है ना, ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसके अंदर में क्या कह रहा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अपोजिट में कौन सा डायग्राम होगा, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये हम क्या है, इसको छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, सीधा यहाँ पे। तो इसके अपोजिट क्या दिख रहा है हमें, ये रहा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति को मोड़ कर बनाया गया घन। एक आकृति है, इसे भी इसका भी हमने क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के बाद जो प्लस है इसके अपोजिट में कौन सा सिंबल आएगा, तो प्लस के अपोजिट आपका कौन सा सिंबल आएगा, एक छोड़ के जाते हैं तो क्या आ गया हमारा, हैज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। मैंने आपको बताया था ना, बस पहले क्वेश्चन में आपका टाइम लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या क्या रखा है, प्लस, इसमें बात करें जो प्लस है इसके अपोजिट क्या होगा, प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा, एंड। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कह रहा है, एंड के अपोजिट क्या आएगा। आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मैं पढ़ के ही, इतना क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, सेम टाइप के क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। ये मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो जो एंड है इसके अपोजिट क्या होगा, तो हम इजीली देख सकते हैं एंड के अपोजिट क्या होगा हमारा, एज। ये लाइन में 3 थे ना, एक छोड़ के अगले पे जाते हैं, तो एक छोड़ के कहाँ गए हम, अगले पे। अगर एंड के अपोजिट तो हमारा हैज आ गया, इसका आंसर तो हमारा डी आ गया। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, तो हम क्या बता देंगे, परसेंटेज। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के अपोजिट क्या आएगा, तो हमारा डॉलर। एडिशनल बता दिया, यूज़ नहीं है इसका, खैर। अगला क्वेश्चन है, उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट में रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। ये कह रहा है कि एक पासा है, इस पासे को हमने मोड़ के क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। तो क्यूब बनाने के बाद ये बताओ कौन सा क्यूब बनना पॉसिबल है और कौन सा क्यूब पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ से मुझे क्या पता है, 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 1 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 2 होगा, और 5 के अपोजिट क्या होगा मेरा, 3 होगा। ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ, 5, इससे नहीं, अभी थोड़े दिन में हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे पढ़ाने के अंदर, ठीक है, अभी कुछ दिन की बात है। ये क्या लिखा था, दिख नहीं रहा, 4, जो हमारा 4 है इसके अपोजिट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। इसके अलावा हमारा 6 है, इसके अपोजिट क्या हो गया हमारा, 6 के अपोजिट हमारा 2,
और 5 के अपोजिट क्या हो गया हमारे 3। इसका मतलब यह है, अगर अपोजिट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ऊपर एक है तो 4 का होगा नीचे वाले हिस्से पे होगा, तो दिखना नहीं चाहिए। अपोजिट का मतलब समझ रहे हो ना आप? अपोजिट का मतलब क्या है कि जैसे अगर ऊपर 6 है, 6 के अपोजिट 2 है, अगर 6 यहाँ है तो 2 कहाँ होगा? इसके नीचे की तरफ होगा, जो हमें दिखेगा नहीं। इस तरह का केस होगा। तो हम देख लेते हैं सारे ऑप्शन करके। पहला क्या है, 4 1 2, 4 है। अगर हमारे सामने 4 है तो एक नहीं दिखना चाहिए हमें, लेकिन हमें 4 के सामने एक दिख रहा है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। अगर 4 है तो एक का होना था हमारा इस साइड होना था, इसके पिछली तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, 6 1 3, अगर 6 है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 6 दिख रहा है 2 नहीं है, ठीक है। 1, अगर 1 1 हमें दिख रहा है तो 4 नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, तो 4 नहीं है, ठीक है। 3 लिखा है तीसरा, अगर 3 है तो 5 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है 6 1 3, एक एक साइड के ही दिख रहे हैं, दूसरे नहीं है। कभी भी दोनों टिक एक तरफ नहीं होने के। अगर आपको ना समझ आए हो अभी तो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर किसी को अपोजिट अपोजिट कुछ समझ नहीं आया, देखो आप टिक मारते चलो, जैसे 6 1 3 है ऐसे टिक मार लो। एक मिनट भाई, देखो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। जैसे क्या लिखा है, 6 1 3, आप टिक मारो 6, ये टिक भी तो इतना लंबा लग रहा है। हाँ ठीक है, टिक मारना है 6 1 3। आपको ये देखना है कि जो एक बार टिक लगा है ना, सामने टिक नहीं होना चाहिए। यहाँ टिक है, सामने कोई टिक नहीं है, यहाँ टिक है, सामने कोई टिक नहीं है। कभी भी ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि दो एक ही उसमें दो टिक हो। ऐसी कंडीशन है तो मतलब ये डाइस नहीं है, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो डाइस क्या बन जाएगा? तो हमने देखा यहाँ टिक है तो सामने नहीं है, इधर टिक है तो सामने नहीं है, इधर टिक है तो सामने नहीं है, मतलब एक एक टिक ही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला डाइस। मुझे यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पेपर में करने में इतना नहीं लगेगा। 5 1 6, मैंने 5 पे टिक किया, 1 पे टिक किया, 6 पे टिक किया, एक एक तरफ ही है ना, 5 के सामने नहीं है, 6 के सामने नहीं है, 1 के सामने नहीं है टिक, मतलब इसमें एक ही तरफ टिक है, या तो इधर है इधर है, नहीं तो इधर है। ऐसी कंडीशन नहीं है, दोनों तरफ टिक नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बन जाएगा। अगला देखते हैं, 2 3 6, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। यहाँ देखो 3 पे है, सामने नहीं है, बात ठीक है, लेकिन 2 है, इसके सामने भी टिक है, इन दोनों पे टिक आ गया, इसका मतलब ये क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत हो गया। इसमें आपका डाइस नहीं बन सकता। डाइस कहाँ बन जाएगा? सेकंड और थर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी एंड सी। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, हमने थोड़ा सा टाइम तो लिया लेकिन आ गया होगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको दे रखा है मेथड, इसको आप इसका कोड बना रखा है ये, तो आप नॉर्मल को क्या लिखोगे? तो सबसे पहले हमें देखना है इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है। METHOD OIZ PYP, हम इसमें क्या बना सकते हैं? एक मिनट मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ देखो, हाँ M का कोड क्या होता है, 13। एक मिनट, मुझे इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझाने में, क्योंकि मुझे इसमें कुछ डिजिट्स वगैरह लिख के बतानी पड़ेगी आपको। देखो जो M होता है, M का नंबर क्या होता है आपका, 13 होता है। जो आपका E होता है इसका नंबर क्या होता है, 5 होता है। जो आपका ये T होता है इसका नंबर क्या होता है, 20 होता है। H का नंबर 8 होता है, O का नंबर 15 होता है, और आपका D का नंबर क्या होता है, 4। ये आपकी डिजिट्स हैं, इन इनकी संख्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो O का नंबर 15, I का नंबर 9, Z का 25,
पी का 16, वाई का 25 और पी का 16। हाँ यहाँ भी अब इतना परफेक्ट नहीं बैठा है, मतलब सवाल तो हम ठीक कर रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे ना ये हमारी डिजिट्स ज़्यादा लंबी हो गई, यहाँ सही सही नहीं बैठी। अब हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। एम का नंबर क्या है हमारा? 13। ई का क्या है? 5। टी का क्या है? 20। एच का क्या है? 8। ओ का क्या है? 15। डी का क्या है? 4। इसी तरह यहाँ पे देखो, मैं ओ का नंबर क्या है मेरा? 15। आई का नंबर क्या है? 9। जेड का 26। पी का 16। वाई का 25। पी का 16। देखो क्या किया है, 13 में दो दो जोड़ा, क्या हो गया? 15। पहले हमने क्या जोड़ा? प्लस 2 किया। फिर 5 में 4 जोड़ा, क्या हो गया? 9। पहले 2 किया, फिर 4 किया। फिर 20 में क्या जोड़ा? 6 जोड़ा, क्या बन गया? 26। पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 6। अब आगे क्या जोड़ना चाहिए? 8। 8 में 8 जोड़ूंगा, क्या बन जाएगा मेरा? 16। 2, 4, 6, 8। अब आगे क्या जोड़ना है? 10। 15 में 10 जोड़ूंगा, क्या बन जाएगा? 25। ऐसे अगले 12 जोड़ूंगा, 4 में 12 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 16। मतलब हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह क्या जोड़ना स्टार्ट किया। देखो एन का नंबर होता है 14। 14 में 2 जोड़ूंगा, क्या बन जाएगा? 16। 16 मतलब होता है पी। 16 का मतलब क्या होता है? पी। इसका मतलब हमारा आंसर पी से स्टार्ट होगा। ये वाला तो खत्म हो गया। देखो पी एस और यहाँ क्या है? एक्स। अगला चेक कर लेते हैं। ओ, पहले मैंने 2 जोड़ा, अगले में क्या ऐड करना है? मैं 4। ओ का हमारा जो सीरियल नंबर होता है क्या होता है? 15। 15 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 मतलब क्या होगा? पी एस, इसका मतलब एक्स वाला गया। 15 में 4 जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा मेरा? 19 आ जाएगा। 19 को क्या बोलते हैं? एस। एस का नंबर होता है हमारा 19। तो हमारे सेकंड और थर्ड कैंसिल हो गया, फर्स्ट और क्या बचा? फोर्थ बचा। एक्स सेम है, यू और वी हमें कौन सा देखना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का। या तो यू होगा या वी होगा। तो मैं देखता हूँ, 2 जोड़ा, 4, 6, 8। 13 के अंदर जब मैं 8 जोड़ूंगा, 13 और 8 कितने होते हैं? 21। तो 21 आएगा चौथे नंबर पे। 21 को क्या बोलते हैं? यू। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? पी एस एक्स यू के एक्स। ये हो गया। मुझे उम्मीद है इसे समझने में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी इसलिए महसूस हुई होगी क्योंकि मैं प्रॉपर लिख नहीं पाया यहाँ माउस के द्वारा, लेकिन मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की। समझ आ गया होगा आपको, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कूट भाषा में देखो यहाँ क्या कह रखा है। एक कोडेड लैंग्वेज है, इसके अंदर क्या कह रखा है? थ्रस्ट को क्या क्या लिख रखा है? यू जे जी करके। तो वुड को हम क्या लिखेंगे? देखो हम समझते हैं। टी का सीरियल नंबर क्या होता है? 20। यू का क्या होता है? 21। एक प्लस किया हमने। एच का क्या होता है? 8। जे का क्या होता है? 10। कितना प्लस किया? 2 प्लस किया। आर क्या होता है? 18। यू क्या है? 21। कितना प्लस किया? 3 प्लस किया। यू क्या होता है? 21। और वाई क्या होता है हमारा? 25। 21 और 4 25। एक प्लस किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, ऐसे कर रहे हैं। W का कोड क्या होता है? 23। 23 में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 24। और x का मान क्या होता है? 24। तो यहाँ तो हमारा 24 ही आएगा सब में, ठीक है। एक जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ेंगे। 15 में 2 जोड़ेंगे, 17। 17 मतलब क्यू आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया। क्यू का मान होता है 17। तो एक्स क्यू सबके अंदर है। अगला देखते हैं। 1, 2, इसके अंदर 3 जोड़ना है। 15 में 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 18। 18 का कोड क्या होता है? आर। तो ये एक्स वाला कट गया, एक्स क्यू आर। अब हमें देखना है 1, 2, 3, 4। 4 में 4 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 8। 8 का कोड क्या होता है? एच। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? डी। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो ए से लेके जेड तक की नंबरिंग है ये आपको याद करनी है। अगर आप कहोगे, कहना नहीं है, आप कहोगे या ना कहोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ने का, मैं करवाऊंगा ही। मैं क्या है, इसके नेक्स्ट क्लास या इस क्लास के बाद तो नहीं करवा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो रीजनिंग की आएगी उसके अंदर मैं पहले आपको ए से लेके जेड तक की सारी नंबरिंग लिखना और उसे याद करना सिखा दूंगा। आपको कैसे याद करना है, अपोजिट वर्ड, इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, वो मुझे सिखाना है।
मैंने मुझे करवाना था इसी बार था, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइम है, लेकिन अगली बार करवा दूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ आए तो बता देना, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे एक बार अल्फाबेट सीरीज पढ़ने के बाद। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ। जैसे 19 है, एक जोड़ा 20 हो गया, टी का मान क्या होता है 20, 20 में एक घटाया क्या हो गया 19, पहले एक प्लस किया फिर एक घटाया फिर एक प्लस किया फिर एक घटाया। नहीं, ये तो मुझे करवाना पड़ेगा अलग अलग अलग। देखो ये क्या लिखा है इसके अंदर, सॉरी मैंने गलती से थोड़ा गलत बोल दिया, STRAIGHT ये हमारे पास है। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, देखो जो शुरू के एस्ट ये है ना ST, इसे उल्टा करके क्या लिख दिया, इसे उल्टा करके आपका क्या लिख दिया, TS लिख दिया। इसी तरह RA है, इसे क्या लिख दिया इन्होंने, AR। आगे क्या है IG, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये आगे क्या है IG, इसे पलट के क्या लिख दिया इन्होंने, GI। इसी तरह HT को क्या लिख दिया इन्होंने, TH। इसी तरह हमें बताना है जो थर्सडे है, THURSDAY, इसका कोड क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, TH को क्या लिख दूंगा मैं, HT लिख दूंगा, UR को क्या लिख दूंगा मैं, RU लिख दूंगा, SD को क्या लिख दूंगा मैं, DS लिख दूंगा, और YAY को क्या लिख दूंगा मैं, YA लिख दूंगा। यहाँ चेक कर लो, लास्ट में A है, लास्ट में A दो के है, स्टार्टिंग में H है, स्टार्टिंग में H इधर है, स्टार्टिंग में H लास्ट में A, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे, एक कूट भाषा में टेम्पल को क्या लिख रखा है, DKOLDS। तो ये कह रहा है कि बताओ वर्शिप को क्या लिखेंगे। देखो ध्यान से समझने वाली बात है, TEMPLE टेम्पल, टेम्पल को क्या लिख रखा है इन्होंने, सामने लिख देते हैं, टेम्पल को लिख रखा है DKOLDS। यहाँ पे देखो किया क्या है, आपको नंबरिंग वैसे याद होनी चाहिए, फिर भी मैं यही समझ के चल रहा हूँ आपको याद होगा। देखो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है, ओ के बाद क्या आता है आपका, पी आता है, एल के बाद क्या आता है, LMN M आता है, डी के बाद क्या आता है आपका, ई आता है, एस के बाद क्या आता है आपका, टी आता है। मतलब क्या है, उल्टा चला रखा है। इसी तरह ये क्या कह रहा है, वर्शिप को WORSHIP, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखो हमने हमें क्या करना है, उल्टा उल्टा पढ़ना है। देखो P से पहले क्या आएगा, आपको याद होगा जैसे P का नंबर होता है 16, इससे पहले क्या आता है आपका, O आता है। हम उल्टा पढ़ रहे हैं, P के बाद क्या, I, I की सीरियल नंबर क्या होता है 9, 9 से पहले क्या आता है आपका 8, H, H का नंबर क्या होता है आपका 8 होता है, 8 से पहले क्या आ जाएगा आपका 7, मतलब क्या हो गया G। इसी तरह S, S का मतलब क्या होता है 19, मैं आपको याद करवा दूंगा, S का सीरियल नंबर होता है 19, 19, 19 से पहले क्या आ जाएगा 18, 18 का कोड होता है 8, 18, R का मतलब क्या होता है 18, 18 से पहले क्या आ जाएगा 17, मतलब Q। O का सीरियल नंबर होता है 15, 15 से पहले क्या आ जाएगा आपका 14, मतलब N। W, W का मतलब होता है 23, 23 से पहले क्या आ जाएगा 22, मतलब V। आप ऐसे भी याद कर सकते थे, जिसे ये वाला इसमें भी देख लो आप, E का मतलब क्या होता है 15, 15 का 15 से एक कम 14, सॉरी सॉरी सॉरी, E का सीरियल नंबर 5, 5 से एक कम इधर हो गया 4, L मतलब 12, एक कम 11, P का मतलब 16, एक कम इधर क्या हो गया 15, M का सीरियल नंबर 13, इधर क्या हो गया 12, E का 5 तो इधर क्या हो गया 4, T का 20 तो इधर क्या हो गया 19। तो इसमें आपको साफ साफ आंसर दिख गया होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, जो पहली बार कर रहा होगा ना ये सीरीज वाले क्वेश्चन, मैं ये मान के चल रहा हूँ उसे समझ नहीं आएंगे, और
जब तक आप इनके सीरियल नंबर याद नहीं करोगे तब तक ये समझ वैसे भी नहीं आने। तो ठीक है, जिसे नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम आज 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जब पिछली बार क्वेश्चन करवाए थे तो आपने ये कहा था कि सर 10 से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करवा दो, लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे इसलिए आपको वैसा लग सकता है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं, बहुत आते हैं पेपर में, DSSSB के अंदर भी आते हैं, ये भी दिल्ली का ही पेपर है लेकिन दिल्ली पुलिस का है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, साफ साफ इस कॉलम के अंदर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे जो कैसे मैं आपको समझाऊं, इसके अंदर क्या है, ये वाली डायग्राम आपको पूरी बनानी है। ये डायग्राम कैसे पूरी बनेगी, ये जो जैसे यहाँ पे एक क्या बन रहा है हमारा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, सेम स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, इधर भी बनेगा, इस तरह करके ऐसे बनेगा। तो पहले मैंने देखा और ये ऐसे था, ये इस तरह बनेगा, तो पहले हम ये यही वाला देख लेते हैं, इस ये ऐसे, अब मैं इसमें आपको किस तरह मिला के दिखाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे आपको मिला के दिखाऊं इसके अंदर। ये देखो जो ये ऐसे वाली लाइन है, ये हमें एक तो इसके अंदर दिख रही है, एक एक दिख रही है मुझे इसके अंदर, तो पहला और आपका चौथा तो हो गया गलत। अब देखते हैं हम इसके इस सीरीज के अंदर, ये यहाँ है इसके अंदर, यहाँ है सीरीज, ये आपकी उल्टी हो गई, जो 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 देखो इस साइड ये है ना, ये इस तरह है, एक ही डंडा है, ये पूरा नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले पे तो ये क्या है, ये पूरा बन रहा है, जबकि मैं पूरा नहीं नहीं बनाना, यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर थोड़ी ना कहीं भी, यहाँ तो आधी बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसी तरह की स्ट्रक्चर इधर भी बनी है, तो यहाँ भी हमें आधे वाली लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से क्या हम इसे भी कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। मुझे उम्मीद है थोड़ा कम समझ आया होगा, क्योंकि इसमें मैं मुझे पिन पॉइंट लेके समझाना था लेकिन मैं नहीं समझा पाया। अगला स्ट्रक्चर है, आप देखना चाहो तो देखो, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है, ये इस तरह 4 हिस्से में डिवाइडेड है। देखो क्या ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम दिख रहा है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी अलग नहीं है ना, इसी तरह ये वाला भी और ये वाला भी क्या होगा, सेम, बल्कि चारों ही सेम है, तो इनके चारों ही सेम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इसके बीच में ये जो गोला है बीच में, इसके अंदर पूरा प्लस का निशान बना हुआ है, यहाँ पूरा प्लस का निशान नहीं है, ये कैंसिल, इसके अंदर भी पूरा प्लस का निशान नहीं है, ये भी कैंसिल, प्लस का निशान कहाँ कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये जो गोला बना हुआ है इसके अंदर कैसा निशान है, इस तरह का, ना तो इसमें है ना ही इसमें, इन दोनों में है, लेकिन देखो ये जो लाइन है ना ये पूरी ऐसे जा रही है, दिख रही है आपको, जैसे ही एक लाइन पूरी ये रही, एक लाइन पूरी ये रही, लेकिन इसके अंदर ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे भी होनी चाहिए थी और यहाँ पे पूरी है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये एलिमिनेशन के द्वारा करने हैं, ये वाला मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप चाहो तो घर पे अटेम्प्ट करके स्क्रीनशॉट लेके बता सकते हो, ये पैटर्न वाला है देख लो, ये भी चलो सिंपल है, वैसे तो मुझे उम्मीद है सभी बता देंगे। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इसका मुंह इधर को है, इसका मुंह इधर को है, इसका मुंह इधर को है, तो इधर इसका किधर को होना चाहिए, इधर को, ये वाला कैंसिल हो गया आपका एक, तो ये 3 बचे, बीच में सबके एक बिंदु है, एक एक बिंदी सबके है। देखो ये जो यहाँ से लाइन निकल रही है ना, एक यहाँ से ये मिल नहीं रही है यहाँ, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, एक ही जगह से मिल के निकल रही है, ये वाला कैंसिल हो गया आपका, ये क्या है, बराबर बराबर हिस्से से निकल रही है, लेकिन यहाँ क्या आपको ये देखो, ये भी क्या है, एक ही जगह मिली हुई है, यहाँ एक ही जगह से निकली हुई है, लेकिन हमें चाहिए क्या, अलग अलग जगह से, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बचा, बी। ये है इसके अंदर कैसे भरोगे अपना, आप देख लेना,
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी, 30 मिनट की हो चुकी, इसलिए ज़्यादा ही हो चुकी। ये कल को मैं ये वाले सवाल करवा दूंगा आपको, ये वाले जो आपके ये दिख रहे हैं ना रिलेशन वाले, ये वाले सवाल हम कल को कर लेंगे। चलो 15 अभी कर ही ले, नहीं तो फिर 15 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। सबसे पहले देखो डायग्राम को हमने कितने हिस्से में बांट लिया, 4 में। यहाँ पे ये क्या है, इस तरह का पूरा गोला, तो हमें इधर भी क्या चाहिए, पूरा गोला चाहिए, इधर भी क्या, हमें इस तरह का पूरी ऐसी स्ट्रक्चर चाहिए। तो एक मिनट, इसमें तो साफ से नहीं दिख रहा। अब देखते हैं एक बार इसके अंदर, जो एक हिस्सा है इनका ये वाला, इसके अंदर इस तरह के सेक्शन बने हुए हैं, 1 2 3 4। ये वाला कैंसिल हो गया हमारा, ये देखो ये वाली लाइन क्या है, पार जा रही है इससे, जबकि कोई भी लाइन क्या है यहाँ से ऐसे आगे थोड़ी ना जा रही है, तो ये वाला इससे भी कैंसिल हो गया। पहला और तीसरा बचा, हमें क्या है इधर भी इस तरह का गोला चाहिए और इधर भी चाहिए, लेकिन इस साइड में गोला है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल, तो क्या बचा हमारा आंसर, डी बचा। मैं इसमें इतनी पिन पॉइंट नहीं समझा पाया, मुझे भी पता है, अगली क्लास में हम क्या और क्वेश्चन लाएंगे कुछ, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।